आगे बढ़े आपको खबर दें कि फवाद हसन फवाद को निगरान विफाक वजीर मुकर्रर कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने फवाद हसन फवाद की तकर्री निगरान वजीर आजम के एडवाइस पर की है और इसी से मुतालिक हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से बात करेंगे। अशरफ मलकम, कहिएगा कि आपकी फवाद हसन फवाद से बात हुई, उनका क्या कहना था? जी, मेरी उनसे कुछ देर पहले टेलीफोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो सब लाहौर में हैं, उनको जो भी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलेगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उसको निभाएंगे। कल उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ शायद उनकी मुलाकात मुतवक्को है। मुझे कहना था, मैंने जिस तरह मेरा माजी गवाह है, हमेशा अपनी जात से वालातर होकर मैंने कौमी मफाद में जो मुल्की मफाद में बेहतर है वही फैसले किए, आइंदा भी ऐसा ही करूंगा। इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल का दो चार है इससे निकालने के भरपूर किरदार अदा करूंगा। लेकिन बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम अपडेट करने के लिए।